दरअसल पंजाब की जवानी को किसी प्लानिंग के तहत बर्बाद किया जा रहा है और हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पंजाब में आयुर्वेदिक दवाइयों की आड़ में अफीम बेचने का कारोबार चल रहा है। और इतना ही नहीं, एनसीबी ने 11 आयुर्वेदिक दवाई कंपनियों को इस मामले में नोटिस भेजा है। अगर आप अपने या अपनों के अलग अलग मर्जों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों पर निर्भर करते हैं तो ये नया खुलासा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। खुलासा ये कि पंजाब में आयुर्वेदिक दवाइयों की आड़ में बेहद बड़ी मात्रा में अफीम बेची जा रही है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। दरअसल कई आयुर्वेदिक दवाइयों में एक तय हद तक अफीम के इस्तेमाल की इजाज़त होती है, लेकिन जांच में सामने आया है कि कई दवाइयों में अफीम की मात्रा बहुत ज्यादा है। देश में कानूनी तौर पर अफीम मध्य प्रदेश के नीमच व उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भारत सरकार के कंट्रोल ऑफ फैक्ट्री की निगरानी में रखी जाती है, जहां से आयुर्वेदिक कंपनियों को दवाई बनाने के लिए एक फिक्स कोटे के तहत अफीम मिलती है और कंपनियों द्वारा इसके इस्तेमाल का निचले स्तर तक मतलब मरीज तक का रिकॉर्ड रखना होता है। लेकिन एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर के मुताबिक कंपनियां इन नियमों का शरेआम उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन कई दवाइयों में तो 25% से भी ज्यादा अफीम इस्तेमाल की जा रही है। ऐसी दवाइयों की ज्यादातर बिक्री अमृतसर, बठिंडा, मानसा व मुक्तसर में हो रही है। सिर्फ अमृतसर में ही रेड के दौरान अफीम की 2,40,000 गोलियां पकड़ी गई हैं, जिनकी कीमत करीब 2,50,00,000 रुपए है। इसी के चलते 11 नामी कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी की ओर से जवाब नहीं आया, जबकि आयुर्वेदिक विभाग ने बताया है कि इन कंपनियों ने अफीम का इस्तेमाल करने का लाइसेंस तक नहीं लिया। अगर कोई भी व्यक्ति ओपीएम दी मेडिसिनल ओपीएम दी मेडिसिन जिहड़ी है विदाउट लाइसेंस बेचता है, रखता है या ट्रांसपोर्टेशन करता है तो एक्ट की उल्लंघना है, एक्ट तहत इन विरुद्ध जिहड़ी है कार्रवाई करनी बनती है। ओवरऑल जो हमने करीब 11 कंपनीज इसमें आयुर्वेदिक मेन फर्म्स आइडेंटिफाई करी थी और उनको हमने लेटर लिखा कि आपके इस बैच नंबर की दवाइयाँ, इस ब्रांड की दवाइयाँ जो पकड़ी गई हैं, काइंडली इनके डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स दीजिए। अभी तक इन कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने रिकॉर्ड्स लाने हैं, पर डायरेक्टर आयुर्वेद को भी हमने रिक्वेस्ट करी थी काइंडली हमें बताया जाए कि क्या इन्होंने किसी किस्म का ऑथोराइजेशन, कोई कोटा, कोई लाइसेंस आपसे लिया हुआ है। तो उनका हमें लेटर मिल गया है कि अमृतसर शहर के अंदर किसी को भी हमने कोई कोटा अलॉट नहीं किया है। अगर अफीम से जुड़े मामलों की बात करें तो अफीम पकड़े जाने के केस पिछले साल के मुकाबले कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ चिंता वाली बात ये है कि नशेड़ी अफीम खाने की बजाय ऐसी अफीम वाली आयुर्वेदिक गोलियाँ खा रहे हैं जिनमें पकड़े जाने का रिस्क भी नहीं है और ये मिल भी आसानी से और सस्ती जाती हैं। एनसीबी के मुताबिक अब उनकी कोशिश यही है कि ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों को भी NDPS एक्ट के तहत नशे की कैटेगरी में रखा जाए। ट्रामाडॉल के ऊपर ही हमने इसको टेकअप भी किया हुआ है अपने हेडक्वार्टर के साथ में कि ये दवाई और जो टेपेंटाडॉल है, इन दोनों को जो है अब NDPS के शेड्यूल में डाला जाए, क्योंकि इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास तौर से जहाँ पे मालवा की बेल्ट है, जहाँ पे पहले पॉपी हस का ज़्यादा चलन था, वहाँ पे तकरीबन लोग जो है ट्रामाडॉल ज़्यादा खाना इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि एक तो इसका रिस्क कम है पकड़े जाने का, दूसरा मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, तीसरा जो है ये सस्ती भी मिल रही है दवाई। पांच दरियाओं की इस धरती पर नशे के बहने वाले छठे दरिया ने जहां हर पंजाब वासी को चिंता में डाला हुआ है, वहीं ऐसी दवाइयों की आड़ में बिक रहा अफीम का नशा बहुत घातक साबित हो सकता है, जिस पर जल्द से जल्द नकेल कसी जानी बेहद जरूरी है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।